1991 में करिश्मा की पहली मूवी आई प्रेम कैदी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1992 में इनकी दूसरी मूवी आई पुलिस ऑफिसर, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जागृति, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद करिश्मा की मूवी आई निश्चय, और मेरे दोस्त ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई सपने साजन के, और मेरे दोस्त ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई दीदार, और मेरे दोस्त ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई जिगर, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1993 में करिश्मा की मूवी आई अनाड़ी, और मेरे दोस्त ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई मुकाबला, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई संग्राम, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई शक्तिमान, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल करिश्मा की मूवी आई धनवान, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1994 में इनकी मूवी आई राजा बाबू, और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई दुलारा, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल करिश्मा की मूवी आई प्रेम शक्ति, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल करिश्मा की मूवी आई खुद्दार, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंदाज, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है आतिश, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अंदाज अपना अपना, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है सुहाग, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आती है गोपी किशन, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1995 में इनकी मूवी आती है जवाब, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है मैदाने जंग, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आती है कुली नंबर वन, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 1996 में इनकी मूवी आती है पापी गुड़िया, और मेरे दोस्त ये मूवी एवरेज रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है मेघा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है साजन चले ससुराल, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है कृष्णा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है जीत, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है बाल ब्रह्मचारी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है सपूत, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है राजा हिंदुस्तानी, और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहती है। वैसे ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इसके बाद इनकी मूवी आती है रक्षक, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है अजय, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। 1997 में इनकी मूवी आती है जुड़वा, और दोस्तों ये मूवी हिट रहती है। इसी साल करिश्मा की मूवी आती है हीरो नंबर वन, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है लहू के दो रंग, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है मृत्युदाता, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है दिल तो पागल है, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है। 1999 में इनकी मूवी आती है सिलसिला है प्यार का, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है बीबी नंबर वन, और मेरे दोस्त ये मूवी सुपर हिट रहती है। इसके बाद इनकी मूवी आती है हसीना मान जाएगी, और दोस्तों ये मूवी हिट रहती है। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है हम साथ साथ हैं, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है जानवर, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रहती है। 2000 में इनकी मूवी आती है दुल्हन हम ले जाएंगे, और दोस्तों ये मूवी हिट रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है चल मेरे भाई, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है हम तो मोहब्बत करेगा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है फिजा, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है शिकारी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। 2001 में इनकी मूवी आती है जुबैदा, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। इसी साल इनकी मूवी आती है आशिक, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। इसके बाद करिश्मा की मूवी आती है एक रिश्ता, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रहती है। 2002 में इनकी मूवी आती है हाँ मैंने भी प्यार किया, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रहती है। वैसे ये मूवी काफी बढ़िया थी। इसी साल इनकी मूवी आती है शक्ति, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप हो जाती है। इसी साल इनकी मूवी आती है रिश्ते, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप हो जाती है। 2003 में करिश्मा की मूवी आती है बाज, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। 2006 में इनकी मूवी आती है मेरे जीवन साथी, और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रहती है। 2012 में इनकी मूवी आती है डेंजरस इश्क, और दोस्तों ये मूवी
डिजास्टर रहती है। तो दोस्तों यह था करिश्मा कपूर का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए।